मुझे मेरी जिंदगी में आगे बढ़ना है और कोई रास्ता नहीं बचा है। कितनी भी कोशिशें कर लो अस्मिता, लेकिन मुझे अपने दिल से नहीं निकाल पाओगी। क्यों शान, क्यों मेरी जिंदगी में मुश्किलें बढ़ा रहे, क्यों कर रहे हो ये सब? पापा से बात कर लीजिए ना प्लीज मम्मा, एक बार बात कर लीजिए। हो सकता है बहुत जरूरी काम हो उन्हें, मम्मा ने घर के अंदर मत आने दीजिए, आप आ जाइए ना। मम्मा उन्हें बहुत धूप लगती है, मैंने विंडो से देखा मम्मा। बात कर लीजिए प्लीज मम्मा, प्लीज मम्मा बात कर लीजिए ना। खुद को जितनी भी सजा दूं कम है, बहुत बड़ी गलती की है मैंने अस्मिता, बहुत बड़ी, लेकिन वो गलती मैं दोबारा नहीं कर सकता, तुम्हें खुद से दूर जाने नहीं दे सकता मैं। मुझे पूरा यकीन है कि तुम आओगे अस्मिता। मुझे पता था तुम जरूर आओगे। घर के दरवाजे तो तुम अपनी मर्जी से बंद कर सकते हो, लेकिन दिल, उस पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं होता। वहां बस चुका हूं मैं, वहां से कैसे निकालोगे? ये ड्रामा बंद करो शान, नहीं देख पाए ना मुझे ऐसी कड़कती धूप में खड़ा रहते, आना ही पड़ा ना। गलतफहमी में मत रहो, घर के अंदर बच्चे हैं, उनके सामने ना मैं कोई सीन क्रिएट नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं खुद बाहर आ गई। चलिए बताओ तुम्हें क्या बताना है। अस्मिता, नंदिनी को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है, उसे उसकी गुनाहों की सजा मिलेगी। जिसने हमारे साथ गलत किया, जिसकी वजह से हम आज इस हाल में हैं, उसे उसकी गुनाहों की सजा मिलेगी। सजा तो हमें मिली है, हम सजा भुगत रहे हैं, और वो बेचारी कृषि सजा भुगत रही है, जबकि उसकी तो कोई गलती भी नहीं थी। अस्मिता, जिसकी भी गलती थी, जो कुछ भी था, वो सब ठीक करने ही तो आया हूं ना मैं, एंड आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक कर दूंगा। घर अलग हो गया, रिश्ते अलग हो गए, हालात बदल गए, ट्रेन की पटरी की तरह हो गए हम, एक दूसरे के सामने तो है पर साथ में। अब कुछ नहीं हो सकता, बहुत देर हो गई है, प्लीज यहाँ पे कोई तमाशा मत खड़ा करो शाह, क्योंकि मैं नहीं चाहती इन सब बातों का कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना कृषि पर पड़े। बहुत मुश्किल से उसे इस हालात से निकाल रही हूँ, जैसे तैसे उसे संभाल रही हूँ मैं,
क्या तुम नहीं चाहते कृषि या चाहत या निर्वाण जो हालात है जो माहौल है उससे बाहर निकले, आम बच्चों की तरह एक नॉर्मल सी जिंदगी जिए, फॉर वंस जस्ट स्टॉप थिंकिंग लाइक अ चाइल्ड, एक पेरेंट की तरह सोचो। अस्मिता सुनो मेरी बात, तुम्हें एक बार, मैं तुम्हें ऐसे छोड़ नहीं सकता अस्मिता, हमें साथ रहना है, हमारे बच्चों कृषि और चाहत के साथ खुश रहना है, हक है हमारा, we deserve to live like a happy family। सब कुछ तुम्हारे वजह से हुआ है कृषि, ना ही तुम हमारे घर आती और ना ही मेरे मम्मी पापा की लड़ाई होती, तुमने आकर सब खराब कर दिया, मेरी मामा भी चली गई, तुमने मेरी पूरी फैमिली तोड़ दी, तुम बहुत गंदी हो, I hate you। चाहत आप ठीक है ना? देखिए मैं जानती हूँ आप कृषि से गुस्सा है, पर देखिए कृषि की ना कोई गलती नहीं है, आपकी मम्मा ने गलती की है तो उन्हें सजा तो मिलेगी ना, अब चाहत आपके साथ ना आपके पापा है, बड़ी माँ है, मौनी दीदी है, मैं हूँ, कृषि है, तो फिर टेंशन किस बात की? नहीं, मुझे मेरी मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा के पास जाना है। ये मेरे पास आई आप, दादा आप प्लीज रोना बंद कीजिए, आप प्लीज शांत जाइए, मैं हूं ना अभी, हाँ नहीं है। आपने खाना खाया? पता नहीं नन्नी इतनी सीधी बात क्यों नहीं समझ पा रही कि उसकी नफरत की आग की लपटे उसकी खुद की बेटी को भी जला रही है। ए महारानी चल खाना खा ले। नहीं खाना मुझे, ले जाओ ये खाना, मेरे वकील को फोन कीजिए और मुझे यहाँ से बाहर निकालिए, मेरा दम घुटता है यहाँ पर, मैं नहीं रह सकती यहाँ पर, बाहर निकालिए मुझे। नंदिनी कदर करना सीखो और रिश्तों की भी। पता है जब मैं
चाहत का चेहरा देखती हूँ तो बुरा लगता है मुझे। अकेली पड़ गई है ना, अपनी माँ के बिना। फिर ना मुझे अपने और कृषि के बारे में ख्याल आता है, जो तुमने हमारे साथ किया। बेचारी कृषि की गलती भी नहीं थी तो उसे क्यों सजा मिली? बार बार नंदिनी तुमने मेरी बच्ची को चोट पहुंचाने की कोशिश की, क्या हासिल क्या हुआ ये सब करके? हाँ, कभी सोचा है नंदिनी तुम्हारी इन हरकतों का भुगतान बेचारी चाहत भुगत रही है? तरस रही है वो अपनी माँ के लिए, तड़प रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे प्यार के लिए। ठीक से खाना तक नहीं खा रही थी, मैं अभी अभी उसे खिलाकर आई हूँ ना, वो ना भूखी रह जाती नंदिनी तुम्हारी वजह से। I'm sorry, अस्मिता, सब कुछ मेरी गलती, तेरी वजह से ही हो रहा है। उसकी सजा में भुगत भी रही हूँ अस्मिता। हाथ जोड़ती हूँ मैं तुम्हारे आगे, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज। जो हुआ क्या लगा तुम्हें कि तुम्हारी ये सारी बकवास सुनकर ऐसा ही कुछ रिएक्ट करूंगी ना मैं? हाँ, रोऊंगी तुम्हारे आगे, हाथ जोड़ूंगी, गिड़गिड़ाऊंगी मैं? नेवर, ऐसा मैं कभी नहीं करूंगी, क्योंकि मुझे अपने किए पर ना कोई पछतावा नहीं। मैंने जो किया बिल्कुल सही किया। और हाँ, अगर तुम ये सोच रही हो ना कि तुम जीत गई मैं हार गई ये खेल खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है, ये खेल अभी बाकी है। और भले ही मैं यहां पर लॉकअप में हूं, लेकिन शान अभी भी तुम्हारा नहीं हुआ। और रहा सवाल तुम्हारी बेटी कृषि का, तो उसकी सासों की ना उनकी गिनती गिनना तुम शुरू कर दो। मेरी बेटी चाहत को जो भूखा रहना पड़ रहा है ना, जो आंसू बहाने पड़ रहे, जो वो तड़प रही है ना, उसकी सजा मैं तुम्हारी बेटी को दूंगी। आखिर सारे फसाद की जड़ तुम्हारी बेटी ही है ना, वो यहाँ पर आती वापस और ना ही ये सारा तमाशा होता। उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। मेरी बच्ची की तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं इंसानियत भूल जाऊंगी। तुम्हें मेरे रौद्र रूप से ना कोई नहीं बचा पाएगा, कोई भी नहीं। कृषि, पापा, आपके पापा को भी नहीं बन सकते। सॉरी बेटा, आप भी मुझसे गुस्सा हो। मैं अपने पापा से कैसा गुस्सा हो सकती हूँ? I do love you पापा, वो भी इतना सारा।
थैंक यू बेटा, आपने हमेशा मेरा साथ दिया है, इसलिए ये लीजिए, ये दोनों आपके लिए। थैंक यू पापा। आपको पता है 6 साल ना मैंने आपको बहुत मिस किया, 6 साल मैंने कैसे गुजारे मुझे पता है, लेकिन आपको पता है आप हमेशा मेरे सपने में आती थी, हमेशा। आपको याद है जब आप मुझसे पहली बार मिली थी, उस दिन ही मेरे दिल से आवाज आई थी कि आप ही मेरी बेटी है, मगर दिमाग ने यह बात कभी मानी नहीं। लेकिन अब जब दिल और दिमाग दोनों ने बात मान लिया ना, तो मैं आपको खोना नहीं चाहता, किसी भी कीमत पर आपको खो नहीं सकता। मैं आपसे 6 साल दूर था ना, तो अब सब कुछ वसूल करना है मुझे। 6 साल का प्यार भी तो रह गया ना, तो अब मैं आपको इतना सारा प्यार करूंगा बेटा, बस उसके लिए मुझे आपका साथ चाहिए। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? बस आपको अपना साथ देना है। अगर पापा को आपका साथ मिल जाए ना, तो पापा पूरी दुनिया से लड़ जाएंगे और हर जंग जीत जाएंगे। एक सेकंड ना, एक और चीज, ये रंगोली याद है? ये आपने बनाया था ना? ये आपका सपना है ना कि हम सब साथ मिलकर रहे, और आपका ये सपना पूरा करने में मम्मा ने आपकी मदद की थी ना, आज से मैं भी आपके साथ हूं। आपका हर सपना अब मेरा सपना है। क्या आप अपना सपना पूरा करने में मेरा साथ दोगी? हाँ पापा, मैं आपके साथ हूँ। तो बस अब हम एक टीम है। जैसे पहले थे, जब आपकी मम्मा की शादी हमें उस घोचू शिखावत के साथ रुकनी थी, तब हम एक टीम थे ना, अब हम वापस से एक टीम है, और अब हम मिलकर ये मिशन हैप्पी फैमिली कंप्लीट करेंगे। करेक्ट? यस, करेक्ट। बस तो उसके लिए तो आपको मेरी हेल्प करनी होगी। करेंगे हेल्प? लेकिन हम क्या करेंगे? I'm sorry, लेकिन हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें जो चाहिए था वो हमें मिल गया है, अब आपकी वजह से हम उसे दांव पे नहीं लगा सकते। हमारी और अस्मिता जी की शादी हो चुकी है, और आपका और हमारा नाता यहीं तक था। क्या आप इतने खुदगर्ज कैसे हो सकते हैं? आप ये मत भूलिए कि आपको जो कुछ भी चाहिए था ना, वो आपको मिल गया है, और उसमें मेरा बहुत बड़ा हाथ है। कम से कम इंसानियत के नाते आप ईमानदारी दिखाइए, आप मेरी मदद कीजिए। इंसानियत? आप इंसानियत की बात ना करें तो अच्छा होगा ना, क्योंकि आपकी जबान से ये लफ्ज अच्छे नहीं लगते। अच्छा ठीक है, तो आप ये भी मत भूलिए कि मेरा नाम नंदिनी है। मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं आपका घर अस्मिता के साथ बसने नहीं दूंगी। सच्चाई बता दूंगी मैं उसे कि कृषि को मारने की प्लानिंग में आपका भी हाथ था। कृषि को जो मारने का प्लान था वो आपका था, और आपको क्या लगता है कि आपकी बातों पर कोई यकीन करे? I doubt. Anyway, हम अपने हाथ और गंदे नहीं कर सकते, क्योंकि हम चाहते हैं कि मिसेस शिखावत अपने बच्चे निर्वाण और कृषि के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ एंजॉय करें। आपका हमारा जो सफर था वो यहीं तक था। गुड बाय।
ये सब तुम्हारी वजह से हो रहा है अस्मिता, और इसकी सजा मैं तुम्हें देकर रहूंगी, और मैं तुम्हें इतनी आसानी से जीने नहीं दूंगी। एक बार उस कृषि को मौत के घाट उतारने के बाद तुम्हारा पल पल का जीना दुश्वार कर दूंगी, ये नंदिनी का वादा है।